नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एंशी शर्मा, आज मैं आपको बताऊंगा धन रेखा के विषय में। बहुत ही जरूरी विषय है। अगर किसी व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो धन उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति के अंदर होना ही चाहिए, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के चरणों को विभिन्न प्रकार से सुख प्रकार से भोग सके। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ धन किस पर्वत से कहाँ से कैसे मिलेगा, या धन रेखा आपके हाथ के अंदर है या नहीं है, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, आपको ईश्वर ने भी इसमें यदि स्थिति को यदि आप देखेंगे तो भगवान ने हमको 5 उंगलियां दी हैं। देखिए भैया, 5 उंगलियां दी हैं, 5 उंगलियों के अंदर भी यदि ईश्वर ने हमें कोई प्राथमिकता दी है तो वह सबसे पहले शनि उंगली की प्राथमिकता ही दी है। यानी अगर मैं कहूं तो यहां पर जो धन का कारक है उसकी उंगली सबसे ज्यादा व्यक्ति के जीवन के अंदर मिली है, और 99.99% हाथ के अंदर यह उंगली लंबी ही होती है। यानी आपके जीवन के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर यदि कनिष्ठा उंगली है, यहां आपके पास अनामिका है, यहां तर्जनी है, यहां अंगुष्ठ है आपके पास, तो ये अगर अपने अपने कारकों को देगी, आपको बुद्धि मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी, आपके जीवन अंदर पत्नी है, विवाह है, सुख है, आपके पास आत्मबल है, ये सब चीजें बैलेंस तो धन पर करती है। अगर धन ही आपके पास नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे? तो ईश्वर ने भी इसी को प्राथमिकता सबसे पहले दी कि यदि धन है आपके पास तो ये चीजें जब पूरी होंगी, जब आपके पास धन होगा। 0.1% वह व्यक्ति होते हैं जिनकी उंगली इससे छोटी होती है, कोई सी भी उंगली से छोटी। तो चलिए, यहां पर मैंने बताया कि आपको सबसे पहले शनि की उंगली की प्राथमिकता आपके अंदर हाथ के अंदर है। अब बात आती है इसके बाद में धन रेखा के बारे में। यदि बात करते हैं धन रेखा के बारे में तो एक सीधा सिंपल सा फार्मूला सभी लोग बताते हैं कि भाई ये शनि पर्वत है, और शनि पर्वत पर कोई भी रेखा यदि पहुंचती है तो उस रेखा को हम धन रेखा कहते हैं। वह उसके जो परिणाम है, उसके जो रिजल्ट है, वह कहां कहां से कैसे मिलेंगे, ये एक अलग विषय है। बिल्कुल एकदम निश्चित रूप से कोई भी घबराने की जरूरत नहीं यदि आपके पास में ये भाग्य रेखा नहीं है। यानी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति को इस प्रकार से कोई भाग्य रेखा चलती है और वह जाकर शनि पर्वत पर पहुंचती है, तब व्यक्ति कहते हैं कि भाई यहां आपके पास भाग्य रेखा है। तो ये भाग्य रेखा जब बताई जाती है तो ये बताई जाती है कि भाई ये कर्म रेखा जब तक ये यहां से शनि पर्वत से संबंध नहीं बनाती तब तक ये कर्म रेखा है, कर्म से व्यक्ति कहता है। भाग्य का इन्वॉल्वमेंट जब हो जाता है जब आपके शनि पर्वत पर रेखा पहुंच जाती है। तो यहां ये रेखा गई और सीधा जाकर के इतने संबंध बनाया आपके यदि शनि पर्वत से, तो कह देंगे भाई हमें आपके हाथ के अंदर धन रेखा मिल गई। परंतु लाखों करोड़ों हाथ में व्यक्ति के हाथ के अंदर ये रेखा नहीं, तो क्या वह व्यक्ति के पास धन रेखा नहीं? तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि यदि ये रेखा नहीं भी है तब भी आपके पास धन रेखा है। किस प्रकार से है, पहले मैं बता देता हूं कहां कहां से आपको धन मिलता है, किस प्रकार से मिलता है। यदि बात करते हैं आप धन के बारे में तो आपके पास में ये रेखा बहुत प्रकार से मिलेगी आपको। यह आपकी स्वयं की मेहनत से मिलेगी। यहां से व्यक्ति की आपकी रेखा निकली, आयु रेखा से सीधी जाकर के शनि पर्वत से संबंध बना दिया आपके पास में। ये रेखा यहां मंगल पर्वत से निकलती है,
तो भाई हम कहते हैं भाई व्यक्ति पुलिस में हो सकता है, मिलिट्री में हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, मेहनती हो सकता है, कुल मिलाकर कर्म से व्यक्ति धर्म करवा रहा है बहुत मेहनत से। अगर यही रेखा आपके पास में यहां से निकल करके और ये एक शुक्र पर्वत जो कि माना जाता है पत्नी से सहयोग संतान से सुख सहयोग के लिए, यहां से यदि ये रेखा जाकर मिलती है और सीधा जाकर पर्वत पर पहुंचती है तो भाई हम कह देते हैं कि पत्नी से धन मिलेगा, हमें यहाँ से कुल मिलाकर संपत्ति प्राप्त होगी। इसी प्रकार की भाग्य रेखा यदि आपकी आयु रेखा के बराबर से निकल रही है और किसी प्रकार का ट्रायंगल भी बना रही है तब भी, और ट्रायंगल नहीं भी बना रही है तो, और ये भाग्य रेखा जाकर इस प्रकार से सीधी ये भाग्य रेखा ऊपर तक पहुंचती है तो हम कहते हैं व्यक्ति को पित्र अर्जित भी मिलेगा, पिता से संबंधित भी मिलेगा, और यहाँ पर यदि इसके साथ एक सहायक रेखा जुड़ जाती है तो हम कह देते हैं कि भाई पूर्वजों का भी मिलेगा। तो ये यहाँ पर हुआ, यहाँ संबंध हुआ, भाई से मिलेगा आपके पास, ये मंगल प्रथम पर्व भी बता देता है। और यदि यहाँ पर बात करते हैं कि सरकारी नौकरी का इन्वॉल्वमेंट भी हो तो यहाँ से भी जा करके ये जाकर यहाँ पहुंच सकती है। ये पर्वत आपका चंद्र पर्वत है, व्यक्ति को माता चंद्रमा माता का कारक भी है। यदि यहां से कोई रेखा गई और जा करके उसका संबंध सीधा सीधा शनि पर्वत से बना, यहां से व्यक्ति को माता से भी मिलता है और कोई स्वतंत्र रेखा यदि यहां से निकलकर और शनि पर्वत को पहुंचती है तो इसका मतलब व्यक्ति है कि व्यक्ति को बहुत भागदौड़ से धन कमाता है, दूर स्थानों से कमाता है। तो ये तो कुल मिलाकर जो धन की स्थितियां है कहां से कैसे प्राप्त हो, एक मोटा सा सिंबल बताया कि भाई धन रेखा ये रेखा है, परंतु इसके अलावा भी धन रेखा होती है। वह धन रेखा किस प्रकार से है आइए आपको बताते हैं। ये आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, यदि ये आपके हाथ के अंदर रेखा कोई भी नहीं है, कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं। अब आइए बात करते हैं यहां पर हम धन रेखा के बारे में, और वह धन रेखा आपके पास किस प्रकार से है, वह भाग्य रेखा किस प्रकार से है। यदि आपके हाथ के अंदर सीधी एक रेखा बताई मैंने और जाकर के इसका संबंध शनि पर्वत से बनता है तो वह रेखा आपके लिए धन रेखा है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई सीधी सीधी निकले और सीधी सीधी शनि पर्वत पर पहुंचे तो धन रेखा हो गई, ठीक है। अब व्यक्ति के हाथ के अंदर ये रेखा नहीं है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास में किसी भी प्रकार से सूर्य पर्वत तक पर अगर इस प्रकार की एक बहुत स्पष्ट रेखा यहां तक है तब भी, आगे तक है तब भी, और नीचे तक जाकर संबंध बना दे तब भी, यानी कुल मिलाकर के भाग्य रेखा। भाई याद रखिएगा कि एक राज्य और दो राज्य, लेकिन दोनों राज्यों की अगर बात करते हैं तो कुल मिलाकर उनकी राजधानी एक हो जाती है। यानी आप अगर यदि देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पंजाब की और साथ ही साथ आपकी हरियाणा की राजधानी जो होती है वो चंडीगढ़ होती है, तो कुल मिलाकर दोनों की राजधानी एक हो गई। अब यहां पर अगर आपकी एक राजधानी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास दूसरी राजधानी है, यहां पर ये अपने आप में ये रेखा यदि आपके पास है तो भी इसी प्रकार से आप जानिएगा, चाहे आप सर्दियों में जम्मू में स्थापित हो जाती है जो उनकी गवर्नमेंट काम करती है, और सर्दियों के अंदर वह जाकर कश्मीर में शिफ्ट हो जाती है। कुल मिलाकर कहीं से कहीं शिफ्ट हो गई, यानी आपके पास में ये रेखा वो बन गई जो यहां पर यदि नहीं है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास सूर्य रेखा यहां तक है तब भी वह धन रेखा है, और नीचे से निकल रही है या इधर से जाकर यहां पहुंच गई है तब भी वह धन रेखा है। तीसरी रेखा आपके पास ये रेखा भी यदि ना हो, मान लिया आपके पास में ये रेखा भी नहीं, आपके पास में यहां पर ये रेखा भी नहीं, और आपके पास एक सुंदर सी रेखा है और इस रेखा का नाम है यहां पर बुद्ध रेखा, बुद्धि रेखा,
बुध रेखा। आपके हाथ के अंदर सूर्य रेखा भी नहीं, आपके पास शनि रेखा भी नहीं, परंतु ये रेखा है आपके पास, तब भी वह भाग्य रेखा का काम करेगी, धन रेखा का काम करेगी। आपके पास ये दोनों रेखाएं हैं, और यदि आपके पास इस पर्वत पर, बहुत ध्यान से सुनने की बात है कि गुरुजी ने बताया कि भाई ये रेखा है मेरे पास भी है धन रेखा तो, लेकिन मेरे पास यहाँ पर भाग्य रेखा या धन रेखा ये वाली नहीं है। इसके लिए एक नियम लागू होता है कि यदि आपके पास ये रेखाएं हैं, कोई सी भी एक रेखा है या दोनों है, तो कुल मिलाकर आपके शनि पर्वत के नीचे इसका जो देवता है, इसका जो देव है, वह यहाँ पर स्थापित होना चाहिए। आपके पास यहाँ छोटे या बड़े रूप में कोई भी दो रेखा होनी चाहिए। कोई भी दो रेखा ना हो तो कम से कम एक रेखा होनी चाहिए। ये दोनों रेखा भी नहीं हो तो आपके पास किसी प्रकार से मछली का सा चिन्ह होना चाहिए। ये भी आपके पास नहीं है तो आपके पास यहाँ पर ट्रायंगल होना चाहिए, और ट्रायंगल भी यदि आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर कैसे भी गति में हो लेकिन चतुर्भुज बनने वाला दिखने वाला चाहिए। तो ये नियम जरूर अप्लाई होगा धन रेखा के लिए, और यदि ये स्थितियाँ आपके हाथ के अंदर है तो कोई भी व्यक्ति आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं सकता, आपके पास धन की स्थितियों को मजबूत करने से रोक नहीं सकता। तो आगे भी मैं अन्य विषय पर समय समय पर आपको अवगत कराता रहता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार।